प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के वार्ड नंबर 39 धर्मशाला बाजार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ में एक फर्जीवाड़े का आरोप पूर्व पार्षद द्वारा वर्तमान पार्षद पर लगाया जा रहा है। पूर्व पार्षद राजू सिंह ने यह आरोप वर्तमान पार्षद बबलू गुप्ता उर्फ छठीलाल गुप्ता के ऊपर लगाया है। उनका कहना है कि रविंद्र प्रताप सिंह राजू, पूर्व पार्षद धर्मशाला बाजार। आपके मोहल्ले का एक मामला आपने उठाया है, जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री जी के पास भी आप लेकर के गए थे, क्या है ये पूरा मामला? मेरे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर व्यापक रूप से व्यापक घोटाले की बात है। ये जो पात्र हैं उनको आवास मिल गया, अच्छी बात है, उनसे भी क्या लिया दिया गया अलग का सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे मोहल्ले में एक एक ऐसे मकान है जो तीन तल्ला चार तल्ला बने हुए हैं और उसमें दो दो तीन तीन फर्जी भुगतान हुए हैं। मेरा नगर निगम प्रशासन से, डूडा से, और मैं इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को शिकायत किया था, जिसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। अब 2-4-5 दिन हो चुका है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बड़े अधिकारी हैं, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन मेरे पास एक सूची है नगर निगम की, उस सूची में एक ही घर में दो दो लोगों का फर्जी भुगतान हुआ, जिसकी जानकारी हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया था, मुख्यमंत्री महोदय। इसके बाद की अगर सूची मुझको मिल जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस घर में कई कई बार फर्जी भुगतान हुआ है। मेरी लड़ाई ये नहीं है कि जिन गरीबों को मकान मिला है उन गरीबों को, मेरी लड़ाई ये है कि जिन अपात्र लोगों को फर्जी भुगतान हुआ है उसकी जांच की लड़ाई मेरी चल रही है। जो पात्र बेचारे हैं उनका 50-50 हज़ार रुपया शायद रुका है, उसके बारे में पार्षद जी ये समझा देते हैं कि ये राजू सिंह रुकवा दिए हैं, जबकि कोई रुकवा नहीं सकता है, उन पात्रों का पैसा तो आएगा ही आएगा। लेकिन जो अपात्र हैं, जिनका तीन तल्ला मकान है, जो अपात्र हैं जो इस वार्ड में किराएदार हैं, जो अपात्र हैं जो इस वार्ड में रहते ही नहीं हैं, उनके नाम पर भी फर्जी भुगतान हुआ है और ये फर्जी भुगतान कई करोड़ों का है। इसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। एक मामला और आया है कि जो अपात्र हैं इनके पास बिल्डिंग बनी हुई है दो दो तीन दिन में, उन लोगों को भी एक एक घर में दो दो तीन एकदम सत्य है। जब भी कोई जिलाधिकारी महोदय अपनी टीम भेजे, मैं उनको अपना उनका नाम बताता हूँ, स्थान बताता हूँ, जाके जांच कर लें, अगर ये गलत हो जो भी सजा चाहे मुझको दे दें। मैं ऐसे लोगों का नाम बता दूंगा, सारी सूची मुझको मिल जाएगी, जो मेरे मोहल्ले में नहीं रहते हैं उनको फर्जी भुगतान हो गया है। मैं ऐसे लोगों का नाम बता दूंगा जो इस मोहल्ले में किराए पर रहते हैं, उनकी कोई ज़मीन नहीं है, उनके नाम पर भी फर्जी भुगतान हुआ है, बशर्ते वो सूची लेके आवें। और ये जानकारी मुझे इसलिए है कि उन फर्जी भुगतान पाने वाले के अगल बगल के जो पात्र व्यक्ति हैं वो आके मुझसे ये बात बताते हैं। पहली सूची जो आपके पास आई है, हाँ, कितने लोग हैं जो अपात्र हैं? उसमें 60 की सूची है मान्यवर। जिलाधिकारी महोदय किसी भी स्तर से जांच करा लें, 25 से 30 मकानों पर अगर फर्जी भुगतान नहीं हुआ होगा, 10 से 5 ऐसे मकान है जो अपात्र हैं उनको फर्जी भुगतान नहीं होगा, तो जो भी सजा मुझको दे मुझे मंजूर, बशर्ते जाँच एक ईमानदारी। क्या लगता है कि इसमें क्या अधिकारियों का है जो मिलीभगत है या पार्षद का भी? इसमें 60 से 70% भूमिका माननीय पार्षद महोदय की है और 20 से 30% भूमिका हमारे उन अधिकारी कर्मचारियों की है जो इसमें सम्मिलित हैं। 70% का अमाउंट कम से कम पार्षद जी लिए हैं, 30% के वो अधिकारियों और कर्मचारियों में बांटकर जो सर्वेयर हो रहे आते हैं उनसे कर दिए हैं। आपको अभी इसी मोहल्ले में शायद जिसने प्रधानमंत्री आवास बनाया वो वाइट दिया है कि हमने 40,000 रुपये 2 लाख के भुगतान पर 40,000 रुपया दिया है। अभी आप ही कि उस पर दिव्यांग परिवार के लोग हैं जिन जो ये कह रहे हैं कि मैं पात्र हूं लेकिन मेरा पात्रता नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए कि मुझसे 20-30 हज़ार रुपया मांगा जा रहा था। मैं आप चैनल से माध्यम से कहूंगा कि इस चीज़ को आप लोग स्वयं दो कदम आगे बढ़ के उजागर करें। एक बड़ा सवाल ये है राजू जी की, एक कैंप कार्यालय है मुख्यमंत्री मेयर का यहाँ? जी हाँ जी। और उसके बाद भी इतना बड़ा उनके कैंप कार्यालय के बगल में इतना बड़ा मामला उठना, दुर्भाग्य यही है कि मेयर साहब के अनुपस्थिति में जब मेयर साहब यहाँ नहीं रहते थे, उस कैंप कार्यालय का उपयोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए वहीं पर बैठकर अधिकारी और कर्मचारियों को बैठकर उस मेयर के कैंप कार्यालय का हाका बाका दिखाकर ये कर्मचारियों को भी दबा, जहाँ कर्मचारी को 10,000 रुपया घूस लेना था इनसे एक एक मकान में, वहाँ 2-2 हज़ार रुपये में इनका काम हो गया है, केवल उस कैंप कार्यालय में इनके बैठने की वजह से।
बाद में शायद मेयर साहब को जब जानकारी हो गई तो यहाँ पर रात में ताला बंद कराना उन्होंने शुरू किया। पूर्व पार्षद राजू सिंह इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनता दरबार में मुलाकात किए। मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर गोरखपुर जिला अधिकारी को जांच का आदेश दिया है। वहीं परियोजना अधिकारी विकास सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हेलो जी प्रणाम सर, प्रदीप तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ सर, एक छोटा सा वो जानकारी चाहिए था। ये एक मामला वार्ड नंबर 39 का आया हुआ है, ये धर्मशाली का कुछ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ मामला है। क्या है मामला सर ये? कोई मामला नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। जी जी, एक पूर्व पार्षद जी हैं, वही उस मुद्दे को उठा रहे हैं। जी जी, और वो जो उनको तथ्य हैं वो तथ्य मेरे ही हैं, तहसील से उनको मिले हैं। वहाँ पे 60 ऐसे लोग थे कोरोना में, जिनका कोरोना के जस्ट पहले, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, 60 गरीब लोग हैं जिनका की आवास उन्होंने रोक रखा था, बना नहीं रहे थे। उनको नोटिस दिया गया है तहसील के माध्यम से, और उसमें से अधिकांश लोग बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, एकदम बस यही मामला है। मैं इतना ही। अच्छा सर, इसमें एक चीज, एक सवाल और ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे पूर्व पार्षद ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अपात्रों को भी मिल गया है जिनके मकान बने हुए थे। तहसील जांच से सारे पात्र हैं, सारे गरीब हैं। और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ कह भी नहीं सकता। हमें यही कहना है कि वो सारे लोग पात्र हैं, तहसील जांच हुई है, उनके परिवार बढ़ गए हैं, गाइडलाइन के हिसाब से उनको दिया गया है, जो गाइडलाइन लोगों को नहीं समझ आती है, तो इसलिए ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि इनका 2 मंजिल बना हुआ था, छोटा सा किसी का 1 मंजिल या 2 मंजिल बना हुआ है, परिवार बढ़ गया है, उसका एक लड़का बालिग हो गया, शादी हो गया, पात्र हो गया है, ऐसी कंडीशंस होती हैं उसमें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोग पात्र हैं, सबको दिया गया है। हाँ इतना जरूर है, लॉकडाउन की वजह से उनके पैसे खर्च हो गए और बनाने में लेट हुआ है, इतनी चीज है जिसको कि लोग मुद्दा बना रहे हैं, बस ये। ठीक है सर। नमस्कार। पूर्व पार्षद इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहाँ पर 60 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से पहले उनका आवास पास हुआ था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग जाने की वजह से वह लोग घर नहीं बना पाए। तहसील के माध्यम से उन सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अपात्र को आवास नहीं दिया गया है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से क्या कहती है धर्मशाला बाजार वार्ड की जनता और वह वर्तमान पार्षद। क्या नाम है चाची आपका? इशरावती देवी। किस मोहल्ले में रहती है? धर्मशाली। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है? यही हम लोग को 2 लाख रुपया मिले, उसमें 46,000 रुपया खा लिए हैं। इसमें हमारा घर मकान देख लीजिए, जो हमको मिला उतना अपना काम कराए हैं। कितना मिला अभी तक? वही 2 लाख में 40,000 ले बाटा। किस लिए लिए हैं 40,000? अब घूस ले हमें, और का करे ले हमें। मतलब वो खुद अपने मांगे हैं? हाँ अपने मांगे हैं, आदमी भेज के हम लोग से पैसा लिए हैं। आप कह रहे हैं जो बाकी पैसा है, अब ये आएगा वो आएगा, अब आएगा कि नहीं आएगा, वोकर कोई मैया दादा नहीं है। कितना और बचा है आने का? 50,000। 2.5 लाख रुपया आता है जिसमें। हाँ, आपको 2 लाख रुपया पास हुआ जी। और हाथ में आपके कितना मिला? 1,60,000। 1,60,000। क्यों, किस लिए मांगे थे ये नहीं पूछी हूँ आपकी, किस लिए आपसे 40,000 रुपए की डिमांड किए थे? आप किस लिए मांगे, अब वही जानेंगे कि हम नहीं खाते हैं, जो जितने अधिकारी हैं सब लोग को बांटते हैं, हम अकेले खाते नहीं हैं, सब लोग भेज भेज आदमी के मंगाते थे हमारे घर, सब लोग से लेते हैं। कौन है छठीलाल? छठीलाल वही हैं। क्या है यहाँ के वो? यहाँ के वो सदस्य हैं। कहाँ रहते हैं? कौन है जो ऐसी जगह रहते हैं? कौन पार्षद है आपका? छठीलाल। आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ क्यों नहीं मिला? हम नहीं गए, ध्यान नहीं दिए, हम उतना दिमाग नहीं था हमारे पास। तो कोई जानकारी नहीं दिया आपको पार्षद या कोई अधिकारी आकर के यहाँ पर कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए? हाँ। कोई आया था कि नहीं पार्षद आपके या कोई जनप्रतिनिधि आया था आपके पास? नहीं नहीं कोई नहीं। कोई नहीं आया था? कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? 1.5 दिन से रह रहे हैं। तब भी कितना साल हो गया होगा? अरे कर हो गया करीब, हमारे बच्चे उच्चे इसी जगह पैदा हुए थे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे, मतलब कितने लोग आप इस छोटे से जगह में रहते हैं?
ये चारों इसी में रहते हैं। चारों लोग इसी में रहते हैं। हाँ। तो दिक्कत नहीं होती है? पानी वाली आता है तो दिक्कत होगा करता है। तो यहाँ से नेता भी जाते होंगे, आपके पार्षद जी भी जाते होंगे, कभी देखते नहीं है? हम उनसे कहे नहीं है। कहे नहीं तो देखना चाहिए, पूछना चाहिए, वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अरे आप कहने ठीक है। क्या नाम है आपका? मंजू। किस मोहल्ले में रहती है? ये धमसाले। कौन पार्षद है आपका? सुन सकती छठीलाल। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं? नहीं। क्यों? 5,000 रुपये दिए थे, अब देने के लिए कह रहे थे फिर 20,000 देंगे, अभी तक कुछ नहीं आया। तो किस चीज के लिए 5,000 रुपये आप दी थी? मकान के लिए, पैसे के लिए। हाँ। नहीं आया है। अच्छा, कौन मांगा था पैसा? वही प्रधान जी, पार्षद जो थे। हाँ। अच्छा, और भी पैसा मांग रहे थे? हाँ। कितना? अभी तो 5,000 दिया है। हाँ। तो बोला गया कि 20,000 और दिलाएगा जब पैसे आएगा, तो आईबे नहीं किया। अच्छा, इस मकान में आप लोग कब से रहते हैं? कब से रह रहे मकान में आप लोग? पुराने से, जब से रहते हैं जन्म तब से रहते हैं। कितने लोग होंगे आपके परिवार में? सब लोग तो हैं। कितने परिवार रहते हैं इसमें? यहाँ यहाँ भाभी रहती हैं। हाँ। इधर हम उधर रहते हैं। हाँ। उधर उधर है दरवाजा। अच्छा, उधर दरवाजा। बहुत चौका बर्तन करती हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी तक आप लोगों को प्रधानमंत्री का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। बोले थे कि आ जाएगा तो मिलेगा देने के लिए 20,000, जब नहीं आया तो कुछ बताती नहीं। वर्तमान स्थिति आपकी जो मकान की है कैसी है? कहे मतलब कि आ जाएगा तो बनेगा। मकान क्या क्या हालत है आपके मकान का? मकान देखिए रहे हैं आप, कहाँ है देख लिया, चोर आया है खुदी। तो कैसे बरसात हुआ, किसी दिन कैसे रहते हैं? कैसे रहेंगे, इसी पानी में रहते हैं और कहाँ रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। कहाँ रहते हैं? धर्मशाला बाजार। क्या आपने आवेदन किया था प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए? हाँ, हमने आवेदन किया था ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास के लिए। कब किया था और क्या हुआ? 2017 में किए थे, जब नगर निगम पता किए थे 2019 हो गया। हमने इस पार्षद के पास, छट्टीलाल के पास बार बार गए, 500 मरतबे गए, मगर कुछ नहीं हुआ। नगर निगम गए, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर हमने एप्लीकेशन दिया था का नाम गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं हुआ। नगर निगम से आए, कहें होगा होगा, कुछ नहीं हुआ। मेरा ले गए सब, चूना उना डाल के खींच के बोले आ जाएगा। बाद में कहें आप अपात्र हो गई, आप लेने लायक नहीं हैं। जिसका 2 मंजिला मकान बना उसका 3 मंजिला के लिए अपात्र हैं। हम तो अपात्र कर दिए। मेरा जमीन है, मेरे 2 बच्चे विकलांग हैं, मेरा पैसा उन्होंने नहीं दिया। हमसे 30,000 रुपया मांगे, हम नहीं दिए, तो हमारा अपात्र कर दिए। क्या डिमांड थी, क्या बोले थे आपसे? पैसा नहीं दिए, उसी से हमारा पात्र करवा दिए। कितना पैसा मांग रहे थे? 25-30 हज़ार पैसा मांग रहे थे। किस लिए मांग रहे थे? एक पैसा मंगाने के लिए। मैंने पहले पैसा नहीं दिया तो मेरा नहीं मंगवाए, जो पैसा दे दिया उनको पहले उनका आ गया। इनकम क्या है आपके, क्या आपके आय का स्रोत क्या है? मेरा आय बहुत कम है, मेरे पति का नाम 6-7 हज़ार कमाते हैं, दूसरे के वहाँ नौकरी करते हैं। बच्चे आपके कैसे? बच्चे हमारे दोनों विकलांग हैं, मुख बधिर हैं, कहीं इन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, घर बैठे हैं। क्या नाम है? मैं पार्षद बबलू गुप्ता, धर्मशाला बाजार, वार्ड नंबर 39। आपके ही जो है यहाँ पे कैंडिडेट बीजेपी के हैं, यहाँ नेता है, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया हुआ है और जनता दरबार तक पहुँच गए थे। उन्होंने 62 लोगों की लिस्ट दी है कि वो लोग पात्र नहीं थे आवास योजना के, लेकिन उनको आवास मिल चुका है। कुछ लोग ये भी आरोप है कि जो लोग पैसा लेके उसका यूज़ कर लिए हैं, मकान नहीं बनवाए, क्या कहेंगे? देखिए, पात्रता और अपात्रता ये तहसील करता है, मेरा उसमें कोई भूमिका नहीं है। और पात्र और अपात्र, अगर पात्र है तो डूडा पैसा डालता है, और अगर वो अपात्र है तो डूडा पैसा नहीं डालेगा। ये पूरी डॉक्यूमेंट्स लगती है उसमें। और हमारे वार्ड में, जैसे हमारे पूर्व पार्षद जी ने कह रहे हैं कि 621 मकान हमारे वार्ड में बने हैं, तो उनको मैं संज्ञान कर दूं कि हमारे वार्ड में 350 से 450 तक मकान ही आवंटित अभी तक हुई है। जो हमारे सम्मानित लाभार्थी मकान बना चुके हैं, और जो 62 की लिस्ट बता रहे हैं पूर्व पार्षद जी हमारे, उसमें 30 से 35-40 लोग मकान बना चुके हैं, 10 लोग मकान बनाने के उपरांत में हैं,
और जो 10-12 बच्चे हैं उसको बरसात बाद वो अपना काम शुरू कर देंगे। रही बात जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि 15,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 पार्षद जी ले रहे हैं, तो मुझे कोई नगद नहीं दिया है, न कोई मुझे चेक दिया है। मेरे अकाउंट चेक कर लें, मेरे घर का पूरा ब्यौरा चेक कर लें, और हमारे हमसे मौखिक रूप से पैसे की मांग की गई थी, मैंने उनको नहीं दिया। मैं किस बात की, जब जनता से लूँगा तब ना किसी को दूँगा? और कहते हैं कि मैं इनका बुलडोजर चलवा दूँगा वो, अरे भाई जनता का पैसा है, जनता में जाए, लाभार्थी हैं भाई, सरकार की योजना है, वो सरकार अपना हिसाब से जो सर अधिकारी आ रहे हैं अपने सर्वे के हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसा। अब झूठ मूठ में पन्ना लेके मैं सभी DPRO जांच कराइए ना भाई, मना कौन किया है भाई? पूज्य महाराज जी को सब अवगत है कि इन्होंने अपने पार्षद रहते हुए 2,00,000 रुपए की मांग की थी, उसमें क्या बोलता है चुनाव में, कार्यकारिणी चुनाव में, माननीय पूज्य महाराज जी को हमारे मालूम है, मुख्यमंत्री जी को, आप पूरे संगठन को मालूम है कि 2,00,000 रुपये लेके ये सपा को वोट देने जा रहे थे भाजपा का होकर, और ये इनका चरित्रहीन है। एक इनके चक्कर में एक लड़की भी आत्महत्या कर ली, ये मेरे वार्ड की एक लड़की है, एक परिवार को रात को 12 बजे इन्होंने फ़ोन करके कह रहे हैं कि जरा 10 मिनट के लिए मेरे आ जाओ। अरे आप पार्षद हो कि हैवान हो यार, किसी माँ बहन बेटी को तुम इस तरह ताकोगे? बबलू जी एक सवाल ये है कि 5 साल तक ये मामला, 4 साल तक नहीं है, अब चुनाव का निकाय चुनाव जो है नगर निगम में चुनाव होने जा रहा है, अब इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, देखिए देखिए सर अब तो चुनाव बहुत करीब है हमारा, 5-6 महीना जो भी हो, ठीक है, अब बहुत प्रत्याशी हमारे वार्ड में लड़ रहे हैं, स्वागत अभिनंदन है, जनता जिसको चुनेगी वो स्वाभाविक है, जिसका अच्छा काम रहेगा, जिसका व्यवहार बढ़िया रहेगा उसको चुनेगी, लेकिन बहुत विरोधाभास आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा पूर्व पार्षद जी का मुझे साथ नहीं करना चाहिए, मेरी सम्मानित जनता के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लाभार्थी आपके वोटर हैं, किससे आप वोट मांगेंगे? आप भी तो पूर्व पार्षद रहे हुए हैं, ठीक है, मैं किसी घर में अगर 3 ठो मंगा दिया हूँ तो मैं क्या गलत कर दिया हूँ? उनका मकान बना हुआ है, अगर 3 लड़के हैं उनके घर में तो ऊपर नीचे सब डिस्ट्रीब्यूशन के बना हुआ है वो, और लाभार्थी खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, मेरे खाते में तो आ नहीं रहा है ना, मुझे न कोई नगद दे रहा है, न मेरे कोई चेक दे रहा है, मेरा डिटेल चेक कर ले खाते का, इससे बढ़िया क्या रहेगा? लेकिन मुझे बहुत ही प्रताड़ित कर रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि ये, मैं तो अभी जिलाधिकारी महोदय के पास कल हम लोग जाने वाले भी हैं, सभी हमारे जितने लाभार्थी हैं कि सर हमारा देख लीजिए। लेकिन बबलू जी बड़ा सवाल ये है कि जहाँ पे वो आवाज़ उठाने की 62, तो कुछ तो होगा मामला इसकी 62 का। सर मैं तो बता तो रहा हूँ कि 62 में से 25-40 लाख मकान बन चुके हैं, जो लिस्ट दिखा रहे हैं वो आए हमसे बताएं ना कि 62 लिस्ट में किसका नाम कहाँ है, मैं बताऊँगा, मुझे ज्ञान है कि 62 लिस्ट कहाँ है। एक मेरे भाई का है, मानता हूँ मेरे भाई का है, लेकिन मेरे भाई ने गलती से मुझे बिना बताए पैसा मंगा लिया था, अगर मैं चाहता तो 3ों किस्त मंगा दिया होता, लेकिन नहीं, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है, मैं सीधे कह दिया कि मेरे भाई का जो भी हो पैसा रिकवरी की जाए। क्या लगता है कि जो 62 का नाम है वो गलत बता रहे हैं? देखिए आप सूची कहाँ से मिली है क्या नहीं, लेकिन आप गलत बता रहे हैं कि अच्छा बता रहे हैं, ये तो जो जाँच करता आएंगे हमारे वो बताएंगे।